अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। थीम पार्क की सोसाइटी बाबू साहब का, जैसा कि आज ही खुशी मोहम्मद साहब ने ऐलान कर दिया था ईद पर, और आज बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की ख्वाहिश पर उनका कहना था कि हमें बुजुर्ग भाई साइट विज़िट करवाई जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको साइट विज़िट करवा दें। इसकी लोकेशन के बारे में बताऊँगा, इसके पेमेंट प्लान के बारे में बताऊँगा, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में बता दूँ। थीम पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर बाबू साबू जो है ये मेन बंद रोड पर ये सोसाइटी जो वाक़ है, इसका जो एड्रेस की बात करें तो जो भाई शादरा वाली साइड से आ रहे हैं वो शेरा कोर्ट से आगे जो चौक है मोटरवे का, उसके साथ ही दो मोरिया पुल है, उधर से एंटर होंगे और आगे 100 फीट रोड पे सीधा तकरीबन 600 मीटर के फासले पे ये सोसाइटी है। और जो भाई आ रहे हैं चौक यतीम खाना वाली साइड से या सब्ज़ादार वाली साइड से, तो सब्ज़ादार से ही एक रोड सीधा दो मोरिया बंद पार्क जो है एक रोड सीधी आती है दो मोरिया पुल की जानब, वो दोस्त उधर से भी आ सकते हैं। तो जी इस लोकेशन की बात करें तो ये जो है शहर लाहौर का दिल है, जहाँ पे नियाजी अड्डा भी मौके पे मौजूद है, उसके अलावा सब्ज़ादार मौके पे मौजूद है, इकबाल टाउन है, चबुर्जी है, शादरा है, सराउंडिंग में जो है लाहौर शहर का ये दिल है। यहाँ पे ये रकबा हाजी खुशी मोहम्मद साहब ने परचेज़ किया, तकरीबन अभी 55 एकड़ की जो पोजेशन है वो इनको मिल चुकी है, जिसकी बिना पर आगे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम 2,20,000 से फौरी पोजेशन ऑफ़र कर रहे हैं। रहायशी का पेमेंट प्लान सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, रहायशी प्लॉट आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरले का प्लॉट 2,20,000 रुपये बुकिंग से, महाना 11,000 उसकी इंस्टॉलमेंट होगी। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कमर्शियल की बात करें तो मेन 50 फीट रोड, ये जो आगे से सरकारी 50 फीट रोड गुजर रहा है, इसके ऊपर आपको कमर्शियल प्लॉट मिलेगा 2 मरले का सिर्फ़ और सिर्फ 12 लाख रुपये में, जो कि अभी ईद ऑफर चल रही है। वैसे प्लॉट की कीमत 11 लाख है, अभी आपको मिलेगा 10 लाख में। अगर अभी आप कमर्शियल की बात करते हैं, 2 मरला कमर्शियल लेना चाहते हैं, वैसे 12 लाख रुपये के हैं लेकिन अभी आपको मिलेगा 10 लाख रुपये में। तो जो दोस्त बुकिंग करवाना चाहते हैं, बुकिंग का प्रोसीजर भी बता देते हैं, आप यहाँ भी आके भी बुकिंग करवा सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा स्टाफ मौजूद होगा, डीलर भी बैठे हैं, और आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। ये चैनल ऑफिशियल है, हाजी खुशी मोहम्मद साहब के स्टाफ का नंबर हासिल करने के लिए नीचे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस पर रब्ता करके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग थीम पार्क व्यू चुंग वाले फेज़ में आके बजाते खुद भी वहाँ पे हाजी खुशी मोहम्मद साहब से भी मिल सकते हैं, मैं भी वहाँ पे मौजूद होता हूँ, वहाँ पे आके आप बुकिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं फ्यूचर की, कि इसमें फ्यूचर के हवाले से ये जगह कैसी है। तो मैं अपने व्यूवर्स को गाइड करना चाहूँगा कि यहाँ पे हाजी खुशी मोहम्मद साहब 80 फीट रोड तमीर कर रहे हैं, जो कि बाबू साहब से शुरू होकर ठोकर को कनेक्ट करेगा यहाँ तक। ये जो मौज़ा शेरा कोट है, उससे आगे जो आपको ये पिलर नज़र आ रहे हैं उसकी दूसरी जानब ये मौज़ा न्याज बेग, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें, इस साइड पे भी रकबा परचेज़ किया गया है और अपोजिट साइड पे भी रकबा परचेज़ कर लिया गया। तो व्यूवर्स अभी हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइंट जो है यहाँ पे मौके पे मैसेज मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे साइट विज़िट की है, उनसे जानते हैं कि ये लोकेशन उन्हें कैसी लगी है, ताकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी फरमान भाई, कैसे हैं आप? जी फरमान भाई, हमारे जो व्यूवर्स हैं देखने वाले हैं, उनको आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, आपने विज़िट किया है, आपको क्या लगता है ये लोकेशन कैसी होगी और आने वाले फ्यूचर के क्या बनेगा? जी जी, मैंने ये विज़िट किया है, बहुत अच्छा एरिया है जो लाहौर का बेहतरीन एरिया है, और मैं समझता हूँ कि इससे सस्ता तरीन लाहौर में कोई एरिया नहीं है। बिल्कुल, बाकी जहाँ भी आप जिधर भी जाएँ काफ़ी महंगे प्लॉट्स हैं इधर, मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 12 आम जो बंदा है वो भी ख़रीद सकता है इसको। बिल्कुल ऐसे ही है, और हाँ जी, मेरे ख्याल में तमाम जो हर मतलब तबका को इधर विज़िट करना चाहिए, इन फ्यूचर जो है वो यही है इलाका। DHA के हवाले से अगर कहा जाए तो DHA फेस 13 ने काफ़ी इधर रकबा खरीद किया हुआ है। अच्छा, तो अगर इस रकबे को आप डेवलप कर रहे हैं और बड़ा सस्ता माकूल रेट पे कर रहे हैं, बिल्कुल, तो मैं तो खुद इधर इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं दूसरे तमाम दोस्तों को जो मतलब सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो वो उनको चाहिए कि एक दफ़ा विज़िट करें और इंशाल्लाह वो वापस बगैर लिए प्लॉट नहीं लेंगे। अच्छा फरमान भाई, आप किस जगह से आए हैं? मैं ठोकर ने आ गई सर। तो ठोकर पे अगर हम बात करें, वहाँ पे इस टाइम क्या रेट चल रहे हैं? वहाँ पे सर अगर बात करें मोटरवे अगर दूसरी फर्स्ट साइड की,
तो उधर तो 15-20 लाख रुपया पर मरला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हमारे ठोकर न्याज बे मोटरवे इस साइड पे जिस तरह ये बाबू साहब हुआ इसके साथ बिल्कुल न्याज बेग है। बिल्कुल। तो न्याज बेग में भी इस वक्त जो रेट है वो कम अज़ कम 5-6 लाख रुपया फी मरला है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी जो है ना बाबू साहब और न्याज बेग की हादें दोनों इकट्ठी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको चाहिए कि ये जो बहुत माकूल रेट है 10-12 लाख में जो अगर प्लॉट मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगी। तो एक घर की छत बनाने के लिए आप इसको कैसा देखते हैं? अभी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़रा आबादी नहीं है बिल्कुल भी, फसलें वगैरह हैं, तो इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि कितनी देर में ये डेवलप हो जाएगा? आपने इसको क्या जज किया? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आज तक बैरिया टाउन भी थी तो वो इसी तरह ही थी। अगर जो लोग जानते हैं ना जी जी, तो वो बैरिया टाउन अगर एग्जांपल बनी हुई है ना तो उस वक्त भी ये ज़रई रकबा ही था बैरिया टाउन वाला। बिल्कुल ठीक है। जहाँ जहाँ भी आबादी क्रिएट हो रही है या सोसाइटी बन रही है उनका आप आउटपुट देखें तो उसके पीछे ज़रई रकबा ही था। आज ये भी ज़रई रकबा है और इसकी चार वो तो उस वक्त बहुत जो न मतलब सन्नाटे वाली जगह होती थी, यहाँ तो काफ़ी आबादी है, डेरेदारी है, जैसे सब्जाजार है। जी जी सब्जाजार है, मेरे ख्याल से यहाँ से 4-5 मिनट की ड्राइव पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो जितनी भी सोसाइटियाँ डेवलप होती हैं वो ज़रई रकबे में ही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी जितनी भी बैकग्राउंड आप देखेंगे ना ज़रई रकबा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो बहुत अच्छी मतलब रोड भी है, एरिया भी है और अप्रोच इतनी अच्छी है कि बहुत ज़बरदस्त है कि 4-5 मिनट के ड्राइव पे हर चीज़ है। ये रेट भी बहुत माकूल है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और ये जो भी लेगा ये मेरा मशवरा है कि ये वो DHA Phase 13 में प्लॉट ले रहा है। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त है। जी जी। तो नाज़रीन ये हमारे बड़े अच्छे क्लाइंट थे, यहाँ पर इन्होंने परचेज किया, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा कि ये क्या सोचते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर आके हमें बताना है कि ये जगह कैसी है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।